आगे जा ही नहीं रही है। साला ब्लॉगर को तो पागल समझते हो तुम लोग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज डेट है 9 जनवरी 2022 और भाई ये व्लॉग जो है काफी दिनों के बाद में आ रहा है। अराउंड मेरा लास्ट व्लॉग जो आया था वो 9 से 10 दिन पहले आया था, तो उसके बाद आज व्लॉग कर रहे हैं। तो भाई ये व्लॉग काफी मस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी एक रोड ट्रिप पे मस्त सी। तो अराउंड है 400 किलोमीटर के आसपास। तो हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो थोड़ी देर से आपको बताता हूँ। और हमने 60 से 70 किलोमीटर ना कवर कर लिया है। तो हमारे डेस्टिनेशन जो है फर्स्ट डेस्टिनेशन वो 20 से 25 किलोमीटर दूर और है। और हम 5 लोग जा रहे हैं, दीपक भैया, माही एंड हमारी दीदी, और ये हमारे जिया जी हैवी ड्राइवर। तो पूरी जो ड्राइव मतलब क्या बोलेंगे राइड जो है वो पूरी यही कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं। और वायदा में हम जा रहे हैं सिंगाजी, ओमकारेश्वर और 2-3 जगह और जाने का प्लान है, तो वो भी आप लोगों को सारा दिखाएंगे। और सामने का व्यू देखो यार मस्त, और पानी देखो भाई साहब, ये जो है प्रॉपर डैम का एरिया है। इस पर रुकते हैं और बाहर निकलते हैं थोड़ी देर और दिखाते हैं आप लोगों को व्यू प्रॉपर। भाई साहब क्या मस्त मस्त हवा चल रही है, काफी गजब का सीन है यार। और पुनासा डैम, ये इंदिरा सागर बांध है, उसका पूरा पानी यहाँ पे है। और यहाँ पे रुक के मस्त अपना फोटो वगैरह खींचते हैं और फिर चलेंगे। हाँ फटाफट चलो। तो जी अपने ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और ये यहाँ से रास्ता है, दिखाता हूँ आप लोगों को। बस एक बार में एक गाड़ी जा सकती है ये जी। यहाँ से अपना पूरा ये पानी का वो पूरा पानी वाला एरिया जो स्टार्ट हो जाता है। तो चलते हैं अभी, यहीं से आगे मंदिर है कुछ थोड़ी दूर। और अभी थोड़ी देर पहले जिस पुल से आए वो पानी पूरा यही था मतलब, और यहीं से पूरा जो है जाता है। और अभी मेन डेस्टिनेशन तो अभी हमारा बाकी है, तो यहाँ से फिर वहाँ चलेंगे। चलो भाई सबका कौआ स्नान हो गया, आप चलते हैं मंदिर में और नहा के कहीं का नहीं आए इसमें रहेगी। तो भाई फाइनली अब घर तो नहीं, अपनी नेक्स्ट जो है डेस्टिनेशन वहाँ चलते हैं। और उससे पहले भूख लग रही है तो कुछ नाश्ता वास्ता कर लेंगे। यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया है और अब नॉन स्टॉप चलते हैं ओमकारेश्वर। और थोड़ी देर मैं ड्राइव करूंगा, क्योंकि काफी देर से वो कर रहे थे और ट्रैफिक में नहीं चला रहे, ऐसे चलाएंगे। अरे आज बाहर अंदर आओ ना, पानी चो उधर। तो अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट हमने आधे से ज्यादा अपना रास्ता जो है कवर कर लिया और अपने ओंकारेश्वर पहुंचने ही वाले हैं। मात्र यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर तो अभी पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ कुरकुरे खाते जाएंगे। गाड़ी में पानी पीना बड़ा मुश्किल काम है। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं अपने ओमकारेश्वर और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। और हम लोग ये बोट में बैठ गए और ये जो पहाड़ है इसका पूरा जो चक्कर आप हमारे से मतलब लगवाएंगे। तो चलते हैं अभी। तो भाई बहुत पानी है यार यहाँ पे भयंकर, और शोर भी हो रहा है, तो मस्त बैठ गए सबके साथ यहाँ। तो भाई जी आपको कैसा लग रहा है आपको? भाई अभी वो उधर डीजल डाल रहे हैं, फिर चलते हैं। काट खा। तो भाई यहाँ से तो उतार दिया, अब नीचे जा रहे हैं और फिर वहाँ पे नहाएंगे और फिर दूसरी जगह चलेंगे। तो जी अभी मस्त नहा धो के रेडी हो गया, वापस चलते हैं अपने मंदिर साइड। यार इस बार पानी जो है काफी कम हो गया, हम लास्ट ईयर आए थे ना जब जनवरी में,
भयंकर पानी था और इस बार पूरा पानी कम है, इधर पानी नहीं बहुत, मतलब है पानी पर पिछले बार बहुत तेज बहाव था और पिछले बार मजा आया था ना, मस्त बहुत मजा आया। हाँ तो गाइस यहाँ पे है अपना मस्त ज्यादा चैलेंज काफी, यहाँ पे काफी बहाव है मतलब बहुत तेज पानी तोड़ कर रहा, यहाँ से नाव निकालेंगे अभी भैया। तो गाइस यहाँ से देखो ये बहाव बहुत तेज है, नाव ऊपर नहीं जाती, तो भैया यहाँ से धका रहा है और पानी भी काफी कम है इसलिए, और इसके आगे डैम भी है वो भी दिखाते हैं फिर। आगे जा ही नहीं रही है, बहुत धीरे धीरे जा रही, बहुत तेज ये बहाव है। तो जी फाइनली अपनी नाव से उतर गए, मंदिर जा रहे हैं, सभी लोग हैं साथ में, और ये बैग अपने को दे दिया यार, और मास्क लगाना बहुत जरूरी है। चलो फिलहाल तो प्रसाद वगैरह लेते हैं फिर निकलते हैं। ये कितने का है? तो जी सभी दूर से घूम घाम के अपनी गाड़ी के पास वापस आ गए हैं, अब रखते हैं इसमें सामान बैग जो भी है। तो जी अब चलते हैं घर को वापस, और कहीं कहीं जाने का भी मन हो रहा है, फिलहाल तो काफी भूख लग रही है, तो यहाँ पे रुके हैं कुछ खा लेंगे थोड़ा बहुत ढाबे पे, और अपना घर का खाना भी है वो भी लेके आए थे, तो हम वो खाएंगे यहाँ पे बैठ के बढ़िया आराम से, और थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर कर लेंगे। चलो यहाँ पे अपने घर का खाना खुल चुका है बढ़िया, अपनी पूरी और अचार, और वहाँ पे ऑर्डर दे दिया तो वो लेके आ रहे हैं, खाना खा के अभी एक और डैम जाना है तो वहाँ चलेंगे। बाय द वे यार आज ज्यादा कुछ ब्लॉग कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब शोर इतना कर रहा है कि समझ नहीं बैठ रही है, पागल हो ना। और ये आपका ब्लॉग वाला ना बहुत झूठ बोलता है साला, साला ब्लॉगर को तो पागल समझते हो तुम लोग, बहुत झूठ बोलता। क्या झूठ बोल दिया भैया, देसी लोग हैं, अपना मस्त सामान खाओ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:54 मतलब 6 बज रहे हैं, और अब जाके हमने एक ब्रेक लिया चाय ब्रेक, तो यहाँ पे चाय पीते हैं और फिर चलेंगे नॉन स्टॉप अपने घर पे। थक गए काफी काफी